मैं प्रवीण कटारा फिर से हाजिर हूँ आपके सामने भारतीय देसी कसरत में। आज हम मैं कराने वाला हूँ आपको हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस, कि आप कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके अपनी बॉडी को अपने हाथों पे बैलेंस कर सकते हैं। बिगनर से लेके एडवांस तक मैं आपको बताऊंगा कि भाई कैसे आप स्टार्टिंग करोगे, धीरे धीरे करके कैसे होल्ड करते हैं, बिगनर्स कैसे स्टार्ट करेंगे, फिर इंटरमीडिएट कैसे ले जा सकते हैं, एकदम एडवांस में आप कैसे अपने हाथों को सेंटर में ले जाके होल्ड कर सकते हो। तो आज मैं ये बताने वाला हूँ अपनी वीडियो में, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप इंटरेस्टिंग वीडियोस देख सको और अपने आप को फिट रख सको। थैंक्स गाइस। किंग लेवल है इसमें, हमें हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस के लिए स्टार्टिंग में हम करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी को अपने हाथों के ऊपर होल्ड करते हैं स्टार्टिंग में, ताकि आपके हाथ स्ट्रांग हो और आप अपने हाथों पर अपनी बॉडी को होल्ड कर सको। ये देखने के लिए आपको पूरा 90 के पर्टिकुलर पार्ट पर होल्ड करना है और इसे भी मैक्सिमम टाइम तक होल्ड करना है। जितना ज़्यादा होल्ड करोगे आपके हाथ उतने स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इसे 3-4 दिन तक ट्राई कीजिए और देखिएगा आपके हाथों की थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएंगे और आपके हाथ टॉन्ड होंगे, आपको पता चलेगा कि आपके हाथों की स्ट्रांग स्ट्रेंथ बढ़ रही है। तो इसे भी आप डेली 2-3 मिनट तक लेके जाइए, फिर ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, इससे ये जो हमारा लेवल था ये बिगनर लेवल था, ताकि आप स्टार्टिंग कैसे करें आप जान सको कि भाई बिगनिंग में हम हैंड स्टैंड कैसे कर सकते हैं। तो बिगनिंग इस तरीके से स्टार्ट करना है आपको। इसके बाद आप थोड़ा सा एडवांस करोगे, आपको वॉल का सहारा चाहिए होगा, वॉल का सहारा लेना है, अपने हाथों को जैसे आपने पुशअप पोजीशन में रखा था वैसे ही रखना है और स्ट्रेट बॉडी को सीधा रख के आपको वॉल का सहारा लेके एक पैर उठा के अपने पैरों को मैक्सिमम ऊपर तक लेके जाना है। आप अगर बिगनर लेवल में थोड़ा सा परफेक्ट हो गए हो तो ये आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि आपके हाथों में ताकत होगी, आप होल्ड कर पाओगे अपनी बॉडी को। तो इसे भी आप 2-3 मिनट तक लेके जाइए, अगर आप 2-3 मिनट तक लेके जा पा रहे हो तो फिर इसके बाद जो लेवल होगा हमारा इंटरमीडिएट लेवल का ही थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो वो ट्राई करेंगे। उसमें क्या होता है, आपको अपनी बॉडी को उल्टा रखना होता है, अपनी बॉडी को उल्टा रखना होता है और आपको वॉल का सहारा लेके फेस अपोजिट वॉल से रखना होता है और ऊपर जाना होता है। इसमें फिंगर्स का बहुत सपोर्ट है, आप जब भी होल्ड कर पाते हो अपनी बॉडी को बैलेंस करते हो तो आपको फिंगर्स का सपोर्ट लेना है। फिंगर्स जितनी आपकी स्टेबल होंगी, होल्ड कर पाएंगी आपकी बॉडी को, आप उतना अच्छा हैंड स्टैंड कर पाएंगे। तो देखिए आप कितना टारगेट कर सकते हो, इसे भी 3 मिनट तक कीजिए। जब आप 3 मिनट परफेक्ट हो जाओगे तो इसका एकदम एडवांस लेवल है जो हम आपको करके दिखाने वाले हैं, वो आप कर पाओगे अगर आप 3 मिनट तक कर पा रहे हो इस पोजिशन को भी। यह पूरा प्रोसीजर 3-4 हफ्ते के बीच में आप हैंड स्टैंड पूरा अच्छे से कर पाओगे, अगर आप आपके आर्म्स में स्ट्रेंथ है, आप कर पा रहे हो, आपने पहले प्रैक्टिस की हुई अच्छे से। तो अभी जो हमारा एडवांस लेवल है उसमें आपको अपनी बॉडी को एकदम बैलेंस करके स्ट्रेट पुश करना है और अपनी फिंगर्स को फोर्स लगा के अपनी बॉडी को होल्ड करना है। आप देखोगे कि आपकी फिंगर्स आपको सपोर्ट कर रही हैं हैंड स्टैंड करने में, सीधा होल्ड करने में अपने आप को। आप 3 हफ्ते में हैंड स्टैंड अच्छे से कर सकते हैं अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस डेली कर रहे हो, उसका रूटीन टारगेट कर रहे हो कि आपको इतना अच्छा करना है और डेली देख, तो आप देखोगे कि आप बहुत फिट हो, आपकी पूरी बॉडी में स्ट्रेंथ है, आप होल्ड कर पा रहे हो अपनी बॉडी को। और आप भी ऐसा कर सकते हो, इससे अच्छा कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करते हो तो। आप जब एकदम एडवांस लेवल पे आते हो तो आप इससे अच्छा भी कर सकते हो। तो आप देखिए कैसे आप पैरों को एकदम आराम से होल्ड करते हुए अपनी फिंगर्स पर, अगर आपकी फिंगर्स स्ट्रांग हैं आप होल्ड कर सकते हो, तो एकदम आराम आराम से आप टारगेट कर सकते हो अपनी बॉडी को पूरा सीधा ऊपर ले जाने में लेग्स को। इसके लिए आपका कोर स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी ओवरऑल बॉडी फिट होनी चाहिए, तो आपको हर बॉडी पार्ट को स्ट्रांग करना है इससे। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद फील होगा कि आप अच्छा कर पा रहे हो। तो आप देखिए कितना अच्छा कर सकते हो आप भी।